लेजीनेस वोंट गेट यू एनीवेयर, आलस से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहिए। उस देश का कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता जहाँ के लोग शिकायत करते हैं और फिर दूसरों से मुसीबतों को हल करने की उम्मीद रखते हैं। जिंदगी में अच्छी चीज़ें उन्हें ही प्राप्त होती है जो स्वयं मामलों को अपने हाथ में लेते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा नदी के किनारे एक शहर में राज करता था, मगर वे बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी प्रजा बहुत आलसी थी। वे राजा कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए प्रयास करता रहता था जिससे वे लोगों को सीख दे सके। एक अंधेरी रात में जब सब सो गए थे, राजा ने बहुत बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच रख दिया और खुद झाड़ियों के पीछे जा छुपा और सोचने लगा, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वहाँ से एक व्यापारी जा रहा था। उसने उस पत्थर को देखा और बाजू से निकल गया। फिर वहाँ राजा का एक अफसर अपनी घोड़ा गाड़ी में आया और बोला, इतना बड़ा पत्थर सड़क पे किसने रखा है? मगर उसने भी कुछ नहीं किया और बाजू से निकल गया। फिर एक जवान लड़के ने भी ऐसा ही किया। सभी ने राजा को सड़क ना साफ रखने के लिए कोसा, मगर खुद कुछ नहीं किया। एक शाम एक मजदूर की बेटी सुबह से काम करके थक हार कर घर जा रही थी। उसकी नजर इस पत्थर पर पड़ी और बोली, अंधेरा हो चुका है, किसी को इस पत्थर से लग ना जाए, मुझे इसे हटा देना चाहिए। बहुत मुश्किल के बाद उस लड़की ने पत्थर को सड़क के बीच से हटा दिया। उसको आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के और एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि ये सब सोने के सिक्के उसके हैं जो इस सड़क से पत्थर को हटा देगा। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आती है, हमें उनकी शिकायत करने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे हमें क्या सिखाना चाहती हैं।